शताब्दी स्टेशन जो अपने आप में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेशन बन गया है। यहाँ पर मैं आज वंदे भारत जो कि एनी स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 11 सीटी है वो तरफ से जा रहा हूँ। चंडीगढ़ तक की यात्रा 2 घंटा 35 मिनट है और यहाँ से मैं आपको एक दरगाह लुक दिखाता हूँ। यहाँ पे एंटर करेंगे ये आपका बहुत अच्छा है, इन्होंने लुक दिया है एंट्री पर। लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये वॉशरूम है। यहाँ पर आप अंदर जाने के लिए ये पुश बटन है जिसको हम प्रेस करेंगे और ये वाला इमरजेंसी पुश बटन है। यदि हमें कोई एबनॉर्मलिटी है, गाड़ी रोकनी है तो आप तो मैंने ये पुश बटन को प्रेस किया तो ये आपको पूरा केबिन सामने है। और यहाँ पर बहुत नीट एंड क्लीन ट्रेन का कोच वंदे भारत जो ट्रेन नंबर 447 और यहाँ पर एक डिस्प्ले यूनिट भी है जहाँ सिर्फ अभी तक वेलकम टू इंडियन रेलवे लिखा हुआ है। कुछ वेटर साहब भी आए हुए हैं। पैसेंजर सिर्फ अपना 5:50 पर चलने का इंतज़ार जो कि इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जो आ चुके हैं बिफोर टाइम आते हैं वो आराम से शांति के साथ अपनी सीट पर बैठते हैं और जो बेचारे लेट होते हैं वो कहीं सिक्योरिटी चेक में बाहर फंसे होंगे, यही इंतज़ार कर रहे होंगे कैसे भी मेरी ट्रेन निकल ना जाए। और यहाँ पर ये एक डिस्प्ले यूनिट है जिसमें आपको कुछ कुछ मैसेज डिस्प्ले होते हैं। जो पुराने ट्रेडिशनल कोच हुआ करते थे उसमें जगह बड़ा कम नज़र आती थी बट इस कोच में तो ऐसे लगता है कि काफ़ी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये हॉट केसेस लगे हुए हैं जो कि अभी ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे उसकी प्रिपरेशन है। ये चंडीगढ़ कितने बजे पहुँचती है? 8:40 पर ये चंडीगढ़ पहुँचेगी, 5:50 पर यहाँ से चलती है। और ये डोर भी इसके ऑटोमेटिक हैं, ये अपने आप कुछ समय के बाद अनाउंसमेंट करके और ये बंद हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ इन्होंने डिस्प्ले भी लगाया हुआ है कि आप सुरक्षित यात्रा करें, अच्छी सेवा के लिए रेलवे की सहायता करें, आपातकाल के लिए भी उन्होंने ये हिंदी में लिखा है और राइट साइड में भी कुछ उन्होंने वार्निंग भी है और फायर कैसे कुछ हो जाए तो प्रिवेंट करने के लिए भी इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ से दूसरी गाड़ी भी बाहर दिख रही है आपको। एक कोच में से निकलकर यदि हम दूसरे कोच में जाएंगे तो ये काफ़ी इनका स्पेस है, बहुत शांति के साथ पैसेंजर इधर से उधर चहलकदमी करते हुए। जो पैसेंजर आने थे वो लगभग अब आ चुके हैं, कुछ ही समय चलने में बाकी है। ये यहाँ सफाई कर्मचारी, इनका नाम सफाई कर्मचारी कहना गलत है बट यस ये भी टाइम पर आकर अपनी
गाड़ी का चेकिंग करते जा रहे हैं कि हाँ भाई जाने से पहले हमारा सब कुछ ठीक ठाक है। पहले ट्रेनें ऐसी हम फॉरेन कंट्री में देखा करते थे, आज वो हमारे इंडिया में इंडियन मेड कोचेस जो अभी वंदे भारत है उसके लिए इन्होंने डिजाइन किए हुए हैं। इसकी स्पीड जो कितनी स्पीड चलती है ये 130 तो ये हमारे बेटर जी ने बताया कि इस गाड़ी का जो स्पीड है यूं तो 180 मैक्सिमम स्पीड है डिजाइन स्पीड, बट 160 पर भी इन्होंने कहीं टेस्ट किया हुआ है। तो ये जो ट्रैक होता है, ट्रैक जितना अच्छा है उतना उसकी स्पीड पर चलते हैं। तो इस ट्रैक जो चंडीगढ़ वाला है वो 130 की स्पीड तक इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। तो हम बिना किसी रिस्क के इस ट्रैक पर 130 की स्पीड से जाएंगे। यहाँ पर भी ये कुछ कोल्ड ड्रिंक्स आई हुई है, मनिया गोल्ड मैंगो ड्रिंक। तो बहुत अच्छा लुक, अच्छा कलर, इंटीरियर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बीच में ये सिटिंग अरेंजमेंट ऑफिस में जैसे लैपटॉप पर आप काम कर सकते हैं। और ये हमारे भाई साहब जो हमारे सहपाठी आज के बने हैं सीट नंबर 64। तो मैं यहाँ इस कोच में आते ही मैंने गुड मॉर्निंग किया कि ट्रेन में जब तक गुड मॉर्निंग नहीं करो तब तक कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होती। तो आपको ये पहले मैंने गुड मॉर्निंग की तो आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा। पहले वो तो थ्री टायर वाले हुआ करते थे ना कोच, बिना रिजर्वेशन वाले, उसमें जब लोग घुसते थे तो सीटों पर बैठने में, सामान रखने में भागम भाग होती थी और टाइम भी नहीं मिलता था। और लोग जो है ना झगड़ा भी करते थे कि सीट के नीचे मेरे सामान है तू निकाल। आज वो सब वक्त गुजर गया है। बट हाँ, उस ट्रेन में जैसे 12 घंटे 14 घंटे 20 घंटे जब वो ट्रेन में जर्नी करने के बाद जब उतरते थे तो लोग कहते थे अरे अपना एड्रेस तो दे दे, क्यों फोन नंबर तो गुआ नहीं करते थे। तो तब वो ऐसे फ्रेंड बन जाते थे रेलवे के कि वो जिंदगी भी याद आते थे। बट आज एयर कंडीशन गाड़ी है, स्टैंडर्ड गाड़ियाँ हैं, कोई वंदे भारत है, लोग इतने बिजी शेड्यूल में आते हैं अपनी सीट पर बैठ के सो जाते हैं। और वो बात करना तो बहुत कम होता है, जैसे हवाई जहाज के पैसेंजर हैं ऐसे वंदे भारत के भी पैसेंजर होते हैं। तो हवाई जहाज में भी जाके सोने को ही थोड़ा सा मिलता है, फिर वो नाश्ते वाला जगाता है तो बोलते हैं अरे भाई क्यों जगा रहे हो, मुझे सोने दो, मैं 3 घंटे पहले जग के आया हूँ। तो शायद वंदे भारत में ऐसा नहीं था। 5:50 की ट्रेन पकड़ने के लिए 1 घंटा बीच का, 4:50 पे हम लोग निकल लिए और 1 घंटा पहले तैयार होने के लिए जग गए। तो आज की ये यात्रा हम भगवान से दुआ करते हैं कि आज हमारी जिंदगी का वंदे भारत ट्रेन सकुशल हमको चंडीगढ़ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं CP वर्मा अब विदा लेता हूं। धन्यवाद।